हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट टुडे जो टॉपिक इज फ्रैक्शन फ्रैक्शन में आज हम आपको पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। ओके 6.2 क्वेश्चन नंबर ए आप लोगों ने पहले सॉल्व करा चुके हैं हमने आपको। आज आपको पढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर बी एट द फॉलोइंग अनलाइक फ्रैक्शंस। बच्चों अभी आपने पढ़ा है इसमें लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शंस प्रॉपर इन प्रॉपर फ्रैक्शंस पढ़ चुके हैं और सब में क्या डिफरेंट होता है या क्या कॉमन होता है ये भी आप समझ चुके हैं। तो आज आपको हम पढ़ाएंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। ओके एट द फॉलोइंग अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अब आपको क्या करना, अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है बच्चों, यस फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपको पहले एक बार और रिविज़न करा दे रहे हैं हम आपको लाइक फ्रैक्शंस को किस तरीके से ऐड करते हैं और किस प्रकार से अनलाइक को। ओके तो नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में आपको किस तरीके से सबसे पहले तो आपको करना है कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए मिक्स्ड फ्रैक्शन को। ओके तो आपने 7 8 या 56 में 3 प्लस करने हैं। ओके तो आंसर हो जाएगा 59/8 -2/8। ओके बच्चों जब लाइक फ्रैक्शन होते हैं तो उसका लाइक फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम। ओके तो जो डिनोमिनेटर सेम है वही उसका एलसीएम होता है। जैसे यहाँ पर देखिए दोनों के डिनोमिनेटर 8 है तो एलसीएम क्या होगा 8। वेरी सिंपल 59 में 2 को माइनस कर देंगे यानी 57/8। अब बच्चों चूँकि ये मिक्सड फ्रैक्शन है इसलिए आंसर भी मिक्सड फ्रैक्शन में ही आना चाहिए। तो आप 8 से 57 को डिवाइड कीजिए तो डिवाइड करने पर क्वेश्चन 7 रिमाइंडर 1। ओके 8 7 जब 56। ओके तो यहाँ पर 56 है तो 7 क्वेश्चन 1 रिमाइंडर, जो रिमाइंडर 1 होता है वो हो जाता है यहाँ पर न्यूमरेटर एंड 7 क्या होता है होलिंग। ओके इसी प्रकार से अब आपको देखिए सेकेंड क्वेश्चन में भी यही करना है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर है ना, तो इसमें भी क्या है सेम नंबर है यानी लाइक फ्रैक्शंस हैं। तो आपको क्या करना है लाइक फ्रैक्शंस में वेरी सिंपल एलसीएम तो लेना नहीं पड़ता, एलसीएम तो वही डिनोमिनेटर जो होते हैं वही होते हैं। अब जैसे यहाँ पर 15 डिनोमिनेटर है एंड लाइक फ्रैक्शन है तो आपने क्या लिखा है 15। ओके अब 6 -1 +17। ओके 6 में 1 माइनस करेंगे बच्चों 5 5 +17। ओके अब यहाँ पर 5 + 17 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सीधे हम 5/15 + 17/15 5 में 17 को प्लस कर देंगे तो 22/15। अब इसको भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप चेंज कीजिए कैसे, 15 + 15 = 7। ओके इसी प्रकार से जब बच्चों लाइक फ्रैक्शन नहीं होते अनलाइक फ्रैक्शन होते, अनलाइक फ्रैक्शन कैसे पहचानते हैं, यस जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंस होते हैं। ओके तो अब यहाँ पर 2/3 and 4/5 ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे इसका एलसीएम, एलसीएम किसका लेंगे 3 and 5 डिनोमिनेटर्स के ही लेते हैं एलसीएम। ओके 3 and 5 का जब एलसीएम लेंगे तो 15। प्राइम नंबर्स जब होते हैं ना तो प्राइम नंबर्स के बहुत ही ईजी होते हैं, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे वही उसका फ्रैक्शन होगा। ओके वेरी सिंपल है। ओके अब आपको क्या करना है 3 × 5 यानी 15 एलसीएम को डिवाइड कीजिए फर्स्ट डिनोमिनेटर यानी 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 5 5 का न्यूमरेटर यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 × 2। फिर नेक्स्ट फ्रैक्शन लीजिए 4/5 तो 4/5 में 5 डिनोमिनेटर है, 5 से एलसीएम कितना आया था बच्चों 15 15 से 15 को डिवाइड कीजिए यस तो आपने 5 से 15 को डिवाइड किया क्वेश्चन 3 का मल्टीप्लाई आपको क्या करना है 4 में, 4 क्या है न्यूमरेटर। ओके अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है 5 × 2 = 10 + 3 × 4 = 12 दोनों को प्लस कर देंगे आंसर आ जाएगा 22/15। बच्चों सेम इसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस नंबर 5 सेकेंड भी करना। अब देखिए यहाँ 2/5 3/15 13/30 तो इसका एलसीएम चूँकि ये अनलाइक फ्रैक्शन है
तीनों के डिनोमिनेटर चेंज है, इसलिए ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन। इसका जब हम एलसीएम लेंगे बच्चों, तो एलसीएम इसका 30 आएगा, 5, 15 एंड 30। 5, 15 एंड 30 का डिनोमिनेटर एलसीएम कितना आएगा, 30। अब 30 को डिवाइड कीजिए, सबसे पहले आप फर्स्ट फ्रैक्शन लीजिए 2/5, तो 5 डिनोमिनेटर इसका क्या है, 5। 5 से 30 को डिवाइड कीजिए, यह स्क्वायर टेन 6, ओके 6 इंटू 2, 2 कहाँ से आया बच्चों, ये जो न्यूमरेटर है, ओके। अब फर्स्ट फ्रैक्शन यहीं स्टॉप करेंगे, सेकेंड फ्रैक्शन लीजिए, सेकेंड फ्रैक्शन है 3/15, ओके बच्चों। आप 15 से 30 को डिवाइड कीजिए बच्चों, क्वेटेंट आ गया 2, 15 2 जा, ओके 30 होते हैं तो 2 आया। आप 2 का मल्टीप्लाई 3 में कीजिए, ओके। अब आप लेंगे थर्ड फ्रैक्शन, थर्ड फ्रैक्शन क्या है यहाँ पे, 13/30, तो 30 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 1 into 13 = 13, तो बच्चों देखिए 6 2 = 12, +2 3 = 6 + 13 = 13। इसी प्रकार से आप तीनों को प्लस कर लीजिए, प्लस करने के बाद 31 आया, 31/30, 30 से 31 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, क्वेटेंट 1 एंड रिमाइंडर 1, ठीक है। तो ये हमारा होल नंबर बन जाता है, हमेशा रिमाइंडर क्या बन जाता है, न्यूमरेटर, एंड क्वेटेंट क्या बन जाता है, होल नंबर, ओके बच्चों। इस प्रकार से आप दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करें अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन। और इस एक्सरसाइज यदि नहीं समझ में आती है तो एक बार फिर से आप दिए हुए एग्जांपल्स को देखिए और वीडियोस को भी देखिए, ओके बच्चों, बाय बाय।